है हाँ वो वेब के फोल्डर में चलानी है कि मेन में? तो मेन में चलानी है। सर वो उसमें चलते ही नहीं है। हाँ दिखाएं मुझे आप, स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। एक मिनट, सर ये इसमें मेरा भी एक एरर आ रहा था, NPM रन कर रहा। आपका भी देख लेते हैं सर जी। लायरा सर मेरे पास भी एरर आ रहा है एग्जॉस्ट का। एक एक करके देख लेते हैं सबको, नो प्रॉब्लम। जी मोहम्मद अहमद, आपकी स्क्रीन मेरे पास डिस्प्ले सर हो चुकी है। ये रन NPM किया ना तो पहले NPM आई चलेगा ना, पहले NPM इंस्टॉल चलेगा। ये क्लोन किया है ना आपने, क्लोन करने के बाद ना पहले NPM इंस्टॉल चलाना होता है। अब चलाएं ज़रा NPM रन बिल्ड। सर क्लोन ने ये एरर ये का एरर मैसेज मुझे रीड करवाएं, एरर का मैसेज मुझे दिखाएं क्या आ रहा है। अच्छा NPM रन बिल्ड माइनस माइनस ग्लोबल लोकल आर डेप्रिकेटेड यूज़ माइनस माइनस लोकल ग्लोबल मिसिंग स्क्रिप्ट बिल्ड। ये आपने पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल के साथ कोई छेड़छाड़ की है शायद, अपने पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल मुझे दिखाएं। इसको बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। ये जो ओपन फाइल है ना सारी, इसको आप क्लोज़ कर देंगे, बहुत सारी ओपन की हुई हैं अपने फाइल्स, टैब, ये सारे टैब खुले हुए ना, इसको क्लोज़ कर दें। सर डॉट जेसन पैकेज डॉट जेसन इसके नीचे वाला है, इसमें ये कह रहा है बिल्ड की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही इसको। ये रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है आपका, मुझे जैसा आपके ना फोल्डर का स्ट्रक्चर सही दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या वजह, छोटा हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल जहाँ पर है ना, वहाँ पे आपने ये जैसा NPM ये सारे रिएक्ट की कमांड चलानी है आपने। सर ये NPM आई चलाऊं इधर? NPM आई भी उधर ही चलाना है, NPM रन बिल्ड भी उधर ही चलाना है। ज़रा ये मुझे अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर तो दिखाएं ना, आपने वो बंद कर दिया सब खुला हुआ फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर सर, स्ट्रक्चर हाँ ये। ये नहीं सर। अच्छा ये रिएक्ट की एप्लीकेशन आप मुझे ज़रा दिखाएं ना कोलैप्स करके, ये है किधर आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो किधर है। हाँ ये रिएक्ट की ऐप आपकी वेब के फोल्डर के अंदर है, सही है। ये SRC को कोलैप्स करें, SRC के फोल्डर को कोलैप्स करें। हाँ ये आपकी जो रिएक्ट की ऐप है ना, ये वेब के फोल्डर के अंदर है, तो आपको ये वेब के फोल्डर के अंदर चलाना होगा फिर, सही है। अगर आपकी रिएक्ट की ऐप रूट पे होती तो फिर आप रूट पे चलाते, अभी CD करके आप सर वेब में। वो सर उस पे चलाए ना तो वो NPM बिल्ड चल जाता है, लेकिन जब डिप्लॉय करें तो वो ये एरर आता है आपको। मतलब आप करें मेरे सामने ज़रा, अभी देख लेते हैं क्या इशू है। सर वो ये बाद में जब उसका लिंक खोले तो इस तरह आता है पे नॉट फाउंड। आप अभी करें ना मेरे सामने, ओके सर। अच्छा रिएक्ट की ऐप आपकी ना वेब के अंदर है, तो CD करके वेब में चले जाएं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलाएं NPM इंस्टॉल पहले, तो जस्ट इन केस एहतियातन NPM इंस्टॉल चला लें, सही है। Yes. अच्छा अब इसमें NPM रन बिल्ड चला लें आप। अच्छा लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो थोड़ी हो नहीं पाई थी, लास्ट का कुछ पार्ट उसमें ना पता नहीं कैसे वो बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग, तो मैं वो रिवाइज़ कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं वो उतना पार्ट जो है ना मैं रिवाइज़ कर दूंगा आज।
हो गया अभी, इधर नेट रिफाइन डिप्लॉय चला। माइनस माइनस प्रॉड, अभी आपसे पूछेगा पाथ कि कौन सी जगह कौन सा फोल्डर उठा के डालना है। एक बार एंटर करके वेट कीजिएगा, सही है? अभी एक बार एंटर कर दिए ना, वेट करें आप, ये आपसे पाथ पूछेगा। अगर नहीं पूछता है पाथ तो फिर उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। ये डायरेक्टरी आपने जो है ना बताना है डॉट स्लैश और बिल्ड एंटर। अब जरा इसको खोलें, ये ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्ट। कंट्रोल क्लिक कर दें, कंट्रोल क्लिक। सही, चल गई आपकी ऐप। अच्छा जी, और अभी किसका क्वेश्चन था? एक और किसी का क्वेश्चन था सर, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही। जी शेयर कर दें। सर शेयर होगी ये? जी होगी। सर ये मैंने एक बनाई थी ऐप, इस पे मैं जब npm npm इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, इस एरर को ढूंढना है, ये जो चीज कह रहा मिलती है ये। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर स्लैश मे हेल्प दिस दिस दिस। आपने किसी जगह पे स्लैश लिखा है और वो आपने गलत लगा दिया है, शायद बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश इस तरह कुछ कर दिया आपने, ये उस चीज़ का एरर दे रहा है। पता नहीं है बैक स्लैश, पता नहीं। ज़रा इसमें सर्च करें पूरे प्रोजेक्ट में, ये सर्च का बटन दबाएं, फाइल जहाँ पे आ रही है ना वहाँ नीचे सर्च का एक बटन आ रहा है बड़ा सा सर्च, वो दबा के आप बैकवर्ड स्लैश लिखें उसमें और एंटर करें। कहाँ आपने सर, कौन सी जगह पे सर्च का बटन है इसमें? टॉप लेफ्ट फाइल में ना, स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे देखिए ना, फाइल के नीचे जो है ना सर्च आ रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है ना बना हुआ, ये एक्सप्लोर के साथ है, एक्सप्लोर के साथ नीचे जो मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है ये दबाएं। ये नीचे वाला मैंने जान के दूसरे नंबर वाला भाई, दूसरे ठीक है इसमें। हाँ सर मिल गया सर, इसमें बैकवर्ड स्लैश लिखो, बैकवर्ड स्लैश पता है ना कौन सा, बैक स्पेस के नीचे वाला। ये जी आपसे अभी आपका सवाल लेते हैं आतिफ, बैकवर्ड स्लैश लिखें या आपने तो फॉरवर्ड लिखा है, बैकवर्ड स्लैश लगाएं ज़रा। बैकवर्ड स्लैश होता है ना, बैक स्पेस के नीचे बटन होता है। हाँ सही है, वही तो प्रेस किया। करें एंटर करें, अब एंटर करें। अच्छा ये तो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी नहीं है आपके बैकवर्ड स्लैश ना। वेल ये तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आपने गड़बड़ की है ये वाली। ठीक है फिर इसको यही है कि दोबारा ही बना लो, बाकी ये एरर किसी में नहीं आया, सिर्फ इसी एक ऐप में आया था। एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड स्लैश एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश में हेल्प, ये कहीं बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ है कहीं ना कहीं, और ये CSS की फाइल का भी बोल रहा है। CSS की फाइल में ज़रा दिखाएं आप अपनी, ये बंद कर दें टर्मिनल को, बंद कर दें, मुझे CSS की फाइल पूरी ऊपर से नीचे तक दिखाएं ये वाली। इसमें कहीं पे आपने कोई पाथ वगैरह लगाया है क्या, कोई इमेज, कोई बैकग्राउंड आपने CSS के ज़रिए लगाई है क्या? ये बनी हुई है CSS की फाइल, नीचे तक दिखाएं मुझे।
अच्छा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी और CSS की फाइलें दिखाएं। इसमें इसमें कुछ भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, गैरली में भी नहीं है। app.css, index.css ये दोनों फाइल हैं। स्क्रॉल करें इसको। ये app.css हाँ ये आ गया ना, लाइन नंबर 31 में आपके ये लगा हुआ है स्लैश। ये स्लैश क्या है लाइन नंबर 31 में जो? वो कमेंट्स का शायद आ रहा था। कमेंट का सिर्फ क्लोजिंग वाला था, ये ओपनिंग वाला किधर है? ओपनिंग भी तो होगा ना नीचे कहीं। 31 ऊपर नीचे पूरा स्क्रॉल करके देखें और तो कहीं नहीं लगा हुआ ऐसा। बस सही है, यही एरर था आपका, हल हो गया ये मसला। यही सर, ठीक हो। चलाएं अब npm run build अभी। यार ये सॉन्ग वॉन्ग बंद कर लें जरा, पीछे जो भी चला रहा है। ये चल रहा है बिल्ड आपका, रन हो रहा है? ये स्टॉप हो गया जी सर, वो रन हो रहा है क्योंकि अभी वो स्पीड स्लो है तो मेरे पास वो टाइम लेगा थोड़ा सा। सही है, एरर इसमें यही था वो जो दूसरी ऐप बनाई थी उस। जी हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी ऐप में क्या हुआ? वो जिस तरह जिसमें हम वो वैलिडेशन नहीं बनाते, अगर ईमेल एक बंदा ना लिखे तो वो ठहरे में ये ए, उसको ये रन की हुई है ना ऐप, मेरी स्क्रीन शेयर है ना सर। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल थे यहाँ पे ठहरे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ना। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट साइन अप पे लिखते हैं, वहां पे तो ये मैसेज देता है ये वाली सारी चीजें, इस यहाँ पे नीचे नहीं लिखा हुआ आता ना। जिस तरह वो किसी भी ऐप को हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर गलत एंट्री करें तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से कर। हाँ तो वो आप नीचे अलग से डिफ बना के आप लगा देना, तो कोई मसला थोड़ी है। वो हमने असल में डिस्प्ले नहीं करवाया इसलिए नहीं लिखा हुआ आ रहा, एरर का जो मैसेज है ना हमने वो डिस्प्ले नहीं करवाया। वो कंसोल पे आ रहा है, उसको आप डिस्प्ले करवा दें, यहाँ पे कोई मसला थोड़ी है। सही है। अच्छा जी वो सर इसको डिस्प्ले रिस्पांस के थ्रू कराऊंगा या कंसोल के थ्रू? नहीं वो तो आप उसको जो JSX लिखा है ना, आप JSX के बीच में वो उसको डिस्प्ले करवाएंगे एरर का जो मैसेज है। जी आतिफ आपका क्या क्या क्वेश्चन था? ये सर सर npx क्रिएट डायरेक्ट कर रहा हूं तो कमांड डॉट फाइंड आ रहा है। हां तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ना आपके पास, दिखाएं जरा इसका। नहीं वो भी इसमें मसला आ रहा है। सर स्क्रीन आ गई, लोड हो रही है अभी शायद। हाँ तो जानी चाहिए। हाँ अब आ गई है, अब देखते हैं देखते हैं। ये रहा, हाँ देखें npx के लिए कमांड नॉट फाउंड। नहीं ये तो परमिशन का इशू है, ये कमांड नॉट फाउंड तो उसने नहीं बोला।
परमिशन समझ ही नहीं आ रहा ऑपरेशन कब से नॉट गए ऐप परमिटेड। बनाने बैठा हूँ, बनी नहीं रही इसके चक्कर में। हाँ, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट जो आपने चलाया हुआ है ना, इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर चला कर देखें आप, फिर ये सेट हो टर्मिनल पे जाएगा। चला के देखूँ? नहीं, ये टर्मिनल को ना एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सर उस पे तो पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन पासवर्ड दूसरा पासवर्ड याद नहीं है। तो बस यही मसला है ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा। ये कह रहा उसका है कि क्या है? भाई, ये कह रहा है, ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ये इसकी परमिशन नहीं है आपको, ये कह रहा है। तभी हल किया इसका। विंडो दूसरी कर लो, यही हल है। पासवर्ड भूल गए हो ना तो विंडो दूसरी करोगे। तुमने लॉगिन कैसे किया भाई, पासवर्ड जब भूल गए हो तो? वो तो है, अनपिन करके दूसरा पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो अगेन दूसरा रीमैच पासवर्ड डाल रहा था, लेकिन इस वो पासवर्ड इसमें डाल रहा हूँ तो उससे खुल नहीं रहा है। पता नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। तुम पासवर्ड जब कंप्यूटर का अपने भूल गए हो तो तुमने कंप्यूटर खोला कैसे? वो तो खुलना ही खुलेगा ही नहीं। मैंने चेंज किया ना उसे फॉरगॉट करके तो खुल गया, लेकिन अच्छा अब पिन दूसरा मांग रहा, वो पिन मेरे से निकल रहा है। हाँ अच्छा तुम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज़ कर रहे हो विंडोज़ पे तुम, ऐसा ही है। तो फॉरगेट करके तुमने खोला तो खुल गया, तो वो फॉरगेट से तो यहाँ भी चेंज हो जाता है ना। नहीं हो रहा ना चेंज, मैंने कर लिया काफी अच्छा, बार किया, नहीं हो रहा बस नहीं तुम हो रहा। अब ये कोई विंडोज़ का एक्सपर्ट होगा वो बताएगा कि ये क्या और करना है इसको। दूसरी बात, गिटअप पे कोड पुश कर रहा हूँ तो मसला ये आ रहा है, गिटअप से कोड ही चले गए सारे मेरे, कि मेरा हैं पीसी चेंज किया मैंने लैपटॉप पे, वो पीसी चेंज करके उसके सारे चीज़ें शफल हो गए, नहीं, उस जो गया गिटहब में जो पुश कर चुके थे कोड, वो कैसे गायब हो गया तुम्हारा? उसको तो वो नहीं भी हो गायब ना, हो गया ना, ये भी तो मसला आ रहा है एक। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि गिटहब में जाने के बाद वो कोड मिस हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी गिटहब बात नहीं, डॉट मुझे कॉम गलत से हो तुम्हारा गया कोड इसे। गायब हो गया। गिटहब डॉट कॉम से कैसे कोड तुम्हारा गायब हो गया भाई? तुम तो मेरे को भी परेशानी और में ही डाल रहे मसले हो सर देखें, भाई। इधर थोड़ी ना, प्रोफाइल में जाओ ना तुम, अपनी माई प्रोफाइल प्रोफाइल में। पे गया हूँ देखें, अभी इस तरीके से सारे अभी आ गए, आतिफ उमर पे काफी क्लिक मैंने करो, पुश किए थे। आतिफ उमर जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करो, स्क्रीन के टॉप। हाँ, इस पे जाओ, रिपोजिटरीज में जाओ। ये आ तो रहे हैं सारे, आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दिया, तो देखो चल गया ना, बाकी दो तीन नहीं चल रहे हैं। ये देखें, ये देखो किस तरीके से आ रहा यार ऐसा कैसे है, हो कुछ सकता किया है, है मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल फिर कोई किसी ने हैक कर लिया फिर तो तुम्हारी मुझे बस रिपॉजिटरीज कौन है, डिलीट कर रहा है तुम्हारी। नेटलीफाई पे भी मसला आ रहा है, दिखाऊं? नेटलीफाई पे क्या मसला आ रहा है वैसे ही बताओ पहले। एक सेकेंड ना देख लेना, असल में एक यूआरएल सब पे चल रहा है, फिर बाकी दूसरी जो बनाता हूँ वो चले जाती है, उसका यूआरएल दूसरे पे चल जाता है। सही ना, तो तुम ऐसे अंदर ऐप दूसरी बनाओगे ना, एक ही ऐप में सारी तो डिप्लॉय थोड़ी ना होगी। नहीं ना, पब्लिक करता हूँ मैं, करते करते पब्लिक इस पर देखा, अब मैंने चार बनाए हुए लेकिन सब ब्लैंक आ रहे हैं, ये दो चल रहे हैं बस। ये पोर्टफोलियो बनाया था, पोर्टफोलियो की जगह भी कुछ और चीज़ चल रही है अभी जो मैंने बनाई थी, कंट्रोल टेम्परेचर। पोर्टफोलियो की जगह टेम्परेचर चल रहा है भाई, तुमने डिप्लॉय करते जी हुए गड़बड़ की है ना। डिप्लॉय क्या करते हुए करूँ, तुमने क्या एक गया? ऐप दूसरे पे चढ़ा दी है, दूसरी नहीं को पब्लिक की है जो सर, सर ये कॉपी पेस्ट करते वक्त ना वो जैसा वो बिल्ड बिल्ड वाला और वो नेटलीफाई वाला फोल्डर डिलीट करना पड़ता है ना, फिर दोबारा से वो उसको करना पड़ता है, तब वो मिक्स हो जाता है इसमें। ऐसे कैसे यार भाई सर, जैसा वो तुम्हारा? कॉपी पेस्ट करते हैं ना, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उसकी फाइल्स, हाँ, अच्छा तो अच्छा बने हुए उसमें वो प्रोजेक्ट को जो कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है ना, प्रोजेक्ट तो फ्रॉम स्क्रैच बनाना है नया। वेल चलो, अब ये तुमने कोई गड़बड़ की है उसकी वजह से हुआ है। असल में तुम्हारे जो फोल्डर में ना, जब नेटलीफाई पे आप डिप्लॉय करते हो तो एक डॉट नेटलीफाई करके एक फाइल बनती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि क्रिएट किस प्रोजेक्ट में ये जाना है इसको, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो वो क्रिएट का क्या करूं, वो तो सब हो जाएंगे, क्रिएट रिएक्ट का परमिशन का इशू है ना, बता तो दिया तुम्हें मैंने, परमिशन नहीं विंडो मिल करूं रहा। दूसरी? हाँ, रन एज एडमिन करो उसको टर्मिनल को, तो फिर वो चल जाएगा। ठीक है बॉस, चलो थैंक यू। अच्छा जी, मेरे ख्याल लैला का भी कोई सवाल था। जी लैला, मौजूद हैं आप क्लास में? जी सर, जी, क्या क्वेश्चन था आपका? वो एरर आ रहा था, वो मैंने
मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। जी दिखा दो। सर आपके ग्लासेस नहीं आए हैं आज। हूँ ग्लासेस नहीं पहने हुए आपने। अरे ले भाई सर। हूँ देखें क्या जा नहीं रहा। एरर आ रहा है एपीआई कॉल में आपके नेटवर्क के टैब में, ज़रा जाके मुझे दिखाएं कि आपने कौन सी एपीआई कॉल की है। हाँ अब ज़रा करें दोबारा साइन अप। क्या किया था, साइन अप किया था ना। करें ज़रा इसमें, ये आपने ना फिल्टर लगाया हुआ, ये जो रेड लाल कलर की जो कुपी बनी हुई है ना, इसको इसको क्लिक करें, ये ख़त्म करें उसको, रेड से ख़त्म करें। ख़त्म क्यों नहीं हुआ ये रेड से, इसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको ये जब तक रेड नहीं। इसके पड़ोस में जो वो बना हुआ है ना बीकर, क्या होता है ये वाला, हाँ कीप जो बने हुआ है ये कीप रेड है ना, इसको रेड से ख़त्म करना है। कैसे होगा ये, ये इसको ऑल पे क्लिक करना होगा आपको। कीप पे क्लिक करें, नीचे एक ऑल आ रहा है छोटा सा, एक ऑल आ रहा है ना यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें। ख़त्म हुआ वो रेड। हाँ अब इसको क्लियर करें एक दफ़ा, ये आपने नहीं करना दोबारा, इसको क्लियर करें नेटवर्क को दोबारा, साइन अप और फिर साइन अप का बटन प्रेस करें। हाँ अब ये साइन अप का जो आपने बटन प्रेस किया है, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ा, इसको जूम इन कर सकती हैं आप, नेटवर्क पे ही क्लिक करके जूम इन कर लें थोड़ा। हाँ बेहतर है, बेहतर है। अच्छा लोकल होस्ट 3003 पे आपने रिक्वेस्ट की है, और ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट की है, पता नहीं। अच्छा ये दो आ रहा है ना साइन अप, जो दूसरा वाला रेड है इसका दिखाएं, ये क्या है, असल में सेकंड होता है पोस्ट। अच्छा जब पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं ना, दो रिक्वेस्ट निकलती है आपके पास से। अच्छा इसको कट कीजिएगा ज़रा एक दफ़ा, जो आपने डिटेल खोली हुई है हेडर्स के पड़ोस में जो क्रॉस आ रहा है। अच्छा इसमें ना प्री फ्लाइट का एरर आ रहा है। नहीं यार प्री फ्लाइट का नहीं, सर्वर रन हो रहा है आपका, सर्वर तो मुझे लग रहा है आपका रन ही नहीं हो रहा। हो रहा है, नहीं हो रहा, दिखाएं कहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी। अच्छा 3003 पे ही रन हो रहा है सर्वर, पक्की बात है ये। नहीं ना आपका सर्वर 4001 पे रन हो रहा है। मैं देखती हूँ सॉरी। इसका पोर्ट ना वही वाला कर दें जो उधर से आपने कॉल की हुई है, 3003 था आई थिंक, 3003 कर दूँ उसको। हाँ एक दफ़ा देख भी लें वहाँ साइन अप में ना क्या आ रहा था, 3003 करके एक दफ़ा देख भी लें। क्लिक करें साइन अप। हाँ यही है 3003। सही है सर्वर चल गया आपका, अब करें साइन अप क्या होता है। इसको दोबारा रिफ्रेश हाँ, क्लियर कर लें। हाँ सही है अब तो ये ऑप्शन है ना वो ऊपर वाले पे क्लिक करें, ये तो ऑप्शन है जो दो साइन अप है ना, दो साइन अप बन रहे हैं जो रेड हुआ है ना, जो साइन अप जो रेड हुआ है इस पर क्लिक करें। हाँ 400 इस पर रिस्पॉन्स आया है, और 400 बैड रिक्वेस्ट मतलब कुछ आपने मिसिंग किया है, पेलोड पे इसके पड़ोस में पेलोड है उस पर क्लिक करें। आपने भेजा है ईमेल और पासवर्ड, साइन अप में तो चार चीज़ें चाहिए थी ना हमें सर्वर पे। सर्वर पे देखें ज़रा क्या क्या आपने वैलिडेशन पे लगाया हुआ है ना, कुछ चार चीज़ें लगाई हुई हैं वैलिडेशन पे। हाँ साइन अप की एपीआई पे जाएं। हाँ ये देखें ना चार चीज़ें इसको चाहिए, साइन अप की एपीआई पे जाएं, साइन अप की एपीआई ऐप डॉट पोस्ट साइन अप। हाँ ये रहा अभी लाइन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ मैं,
देखिए यहाँ पे आपने बताया हुआ है ना कि फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए। आपने ये चारों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। आपने भेजा है वहाँ से सिर्फ दो, आपने ना फ्रंट एंड से सिर्फ दो भेजा है, ईमेल पासवर्ड। इसीलिए इसीलिए तो ये एरर दे रहा है। साइन अप से, साइन अप से आपने सिर्फ दो चीज़ें भेजी हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं क्लिक करना पड़ेगा। वो बाकी की दो चीज़ें जो है ना वो भी भेजनी पड़ेंगी आपको। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करें, पेलोड के पड़ोस में जो प्रीव्यू है ये बता रहा है आपको, प्रीव्यू पे क्लिक करें। ये देखें ये बता रहा है कि भाई मिसिंग फील्ड है, ये चारों चाहिए ऐसे। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड हमने एपीआई तैयार की है ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। करें दोबारा से इसको साइन अप बटन पे। हाँ इसको क्लियर करके करें ताकि पता चले नया वाला कौन सा है। करें अच्छा, ये जो रेड हुआ है इस पर जाएँ आप, ज़रा पेलोड पे क्लिक करें रेड वाले पे जाके। अभी भी दो ही जा रहे हैं यहाँ से, ये क्या वजह है? दो ही जा रहे हैं अभी भी, चार नहीं जा रहे। कुछ और भी करना है क्या यहाँ पे? सेव तो किया हुआ है आपने। एक मिनट एक मिनट, स्टे 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 स्टे, सही तो है। ये आपका जो रिएक्ट की ऐप है वो एनपीएम स्टार्ट हुई भी है? मेरे हिसाब से नहीं हुई भी है। हाँ करें, जहाँ से सही होता है। ओके क्या होगा, दो दो जगह खुल गए, एक को बंद कर दें, खैर कोई मसला नहीं। नेटवर्क के टैब में जाके साइन अप का बटन दबाइएगा। क्या चल पड़ा? अच्छा सर, हाँ मैंने ना वो गलती से ये किया था, तो फिर ये गिट पे कमेंट ना, तो ये दूसरी वाली रिपोजिटरी में हो गया था, तो अब इसको अंडू नहीं कर सकते नहीं तो अंडू कर तो सकते हैं, लेकिन वो दूसरी में हो कैसे गया पहले तो मुझे ये समझाया, दूसरी में कैसे हो गया वो? नहीं मैंने ना यहाँ से बस जाके वो कमिट कर दिया। हाँ। ये तो मुझे नहीं पता दूसरी में कैसे हुआ, और फिर जब मैंने देखा तो मैं दिखा दूँ आपको, ये दूसरी में हो गया दोबारा दिखा दूँ। वेट यहाँ पे अच्छा, वो आपने असल में एक ही फोल्डर को जब कॉपी पेस्ट किया तो वो जाहिर है उसी रिपॉजिटरी से कनेक्शन हुआ हुआ था उसका, इस वजह से वो चला गया। अब इसको वापस इधर कैसे भेज सकते हैं? अच्छा वो ये कर सकते हैं हम, कमिट एक बार होने के बाद ना उसको हम अंडू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। तो आप एक काम करें ना, आप उसको छोड़ दें, हो गया तो खैर, हो गई कोई मसला तो नहीं है। जो नई रिपॉजिटरी हाँ, है आप उससे कनेक्ट कर लें। जी चल भी रहा है, मैंने डिप्लॉय भी कर दिया है, देखें। हाँ
डिप्लॉय भी करते हैं, चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हो जाता है, लेकिन अभी इस वक्त मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, तो फिर वो मतलब आधे पौने घंटे को। यूट्यूब पे वीडियो देख के कर लूँगी। स्मार्ट ग्रिड से देखिएगा कि स्मार्ट ग्रिड में ये काम कैसे होता है, ठीक है? स्मार्ट ग्रिड एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए बहुत ईजिली हो जाता है ये। ओके, सही है। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम आगे सर, जिस टाइम हरिको पे डिप्लॉय करेंगे तो फिर जो लिंक होगा वो API वो हरिको वाली तक डालेंगे या लोकल हॉस्पिटल? जो सर्वर का जो भी आपका URL होगा वही आप डालेंगे हमेशा, साइन अप करते हुए लॉगिन करते हुए जो URL होगा वो सर्वर का होगा। सर्वर आपका जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आप उस वहाँ का URL डालेंगे। अच्छा, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ।